हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अनिल और आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक एब्स्ट्रैक्ट वेवी बैकग्राउंड। वैसे तो आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा, तो आज हम इसी तरीके का एक बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कोई भी टिप्स मिस ना करें। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वैसे मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ 1920 विड्थ में और 1080 हाइट में। आप कोई भी साइज का आर्टबोर्ड ले सकते हो। तो अभी फर्स्ट मैं एक लाइन टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे है लाइन टूल और यहाँ पे इस लाइन टूल को स्ट्रेट आर्टबोर्ड से टॉप में एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और इसका थिकनेस मैं 2 पॉइंट रखता हूँ। और अभी हम यहाँ पे इसको सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट रहने देते हैं। अल्ट प्रेस करते हैं और नीचे ड्रैग करके कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी बहुत सारे डुप्लीकेट क्रिएट कर लिए हमने। अभी यहाँ पे मैं इन सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे एनवलप डिसऑर्ड है, एनवलप डिसऑर्ड में मेक विथ मैश कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे, यहाँ पे रो आप कितना भी रख सकते हो, कॉलम रखते हैं 10 और इसको ओके कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता है। यहाँ पे ए प्रेस कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैं इनमें से ये जो बीच में एक एक है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक छोड़ के एक सिलेक्ट करते जाइए कॉलम को और फिर इसे सिलेक्ट करके ऊपर सा ड्रैग करिए। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो प्रॉपर सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेव्स लाइन क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं डी सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्शन टू यहाँ पे डी सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसे एक्सपांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपांड है, इसको एक्सपांड कर लिए। अब ये आउटलाइन मैंने ये फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट में जाते हैं, 3D मटेरियल, 3D क्लासिक, रोटेट क्लासिक। रोटेट क्लासिक में जाते ही यहाँ पे पोजीशन जो है आइसोमेट्रिक टॉप कर लेते हैं और फिर इसको ओके कर लेते हैं। और अभी इसे सिलेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कुछ कट सा आ रहा है पर इसे हम प्रॉपर करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे, फिर से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिप मास्क करेंगे। अभी ये जो लाइन है इसे हम डिलीट कर लेते हैं, फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको स्केल करते हैं आर्टबोर्ड के साइज तक, ताकि हम जब क्रिएट करें तो ये प्रॉपर सा क्रिएट हो जाए। तो इसमें हम ग्रेडियंट देंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ग्रेडियंट हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ये ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका अल्ट प्रेस करके एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा ही मूव करेंगे, एक कॉपी क्रिएट हो गया। अब इसे हम फ्लैट ब्लैक कलर दे देंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर दे देते हैं और सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक करते हैं। तो ये अभी ये इस शेप के पीछे चला गया है। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लेंड टूल से ब्लेंड भी कर सकते हो और ब्लेंड टूल का शॉर्टकट यूज करते हैं अल्ट कंट्रोल बी, तो ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं ब्लेंड टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो ये ब्लेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो स्पेसिंग है इसे चेंज करेंगे, इसका स्पेसिफाइड स्टेप कर लेते हैं और इसको स्पेसिफाइड स्टेप दे देते हैं यहाँ पे 100 और इसे ओके कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके का ब्लेंड बन चुका है। अब हम इसे डी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और रेक्टेंगल टूल से आर्टबोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, 1920 विड्थ, 1080 हाइट, और इसे आर्टबोर्ड से अलाइन कर लेते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और राइट क्लिक, मेक क्लिप मास्क।
अब मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा दूं कि ये प्रॉपर कैसे दिखता है। तो यहाँ पे कंट्रोल जीरो प्रेस कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरीके से कुछ ये बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सके इस तरीके के बैकग्राउंड्स को क्रिएट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इमेजिन करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।